मैं मालती खाना जायकेदार में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पूरे देशवर्ष में हम 26 जनवरी सभी मनाते हैं, यही सोच के मैंने भी आपके लिए कुछ प्लान किया है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ट्राई कलर केक पेस्ट्री की रेसिपी। आप इसे जरूर देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी। पसंद आती है तो शेयर और लाइक करना ना भूले प्लीज। नए व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ओवर टू किचन, देखते हैं अपने ट्राई कलर पेस्ट्री कैसे बनाएं। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा स्पॉन्ज केक। उसके लिए हमने लिया है ये 200 ग्राम्स मैदा, ये एक टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छान लेंगे। यह हमने मैदा ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे छान के रख लिए। अब बारी आती है वेट इंग्रेडिएंट्स की। ये हमने 200 ग्राम कंडेंस मिल्क लिया है, ये 100 ग्राम शुगर ली है, बारीक पीसी शुगर, और ये 70 ग्राम्स मेल्टेड बटर लिया है। बटर को मेल्ट कर लिया है, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम हमारे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें तीन पार्ट में थोड़े थोड़े करके मिलाएंगे। और साथ में ये मैंने एक कप दूध लिया है, कंसिस्टेंसी देख के थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। इसके पहले हम ये हमारा पेस्ट्री पॉट है जिसमें हम पेस्ट्री बनाने वाले हैं, इसको हम ग्रीसिंग कर लेते हैं और बटर पेपर लगा लेते हैं। माइक्रोवेव में हमने प्री हीट करने रख दिया है 180 सेंटीग्रेड में 15 मिनट के लिए। और अब हम ये पॉट रेडी कर लेते हैं। हम एगलेस स्पॉन्ज केक बना रहे हैं पेस्ट्री के लिए माइक्रोवेव में। ये हमने केक पॉट रेडी कर लिया है, इसको मैंने ग्रीसिंग किया है और बेस में बटर पेपर लगाया है। इससे हमारा केक तुरंत निकलेगा, निकलने में आसानी रहेगी। अब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके तीन पार्ट में मिलाएंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे। कंसिस्टेंसी देख के थोड़ा थोड़ा दूध भी मिलाएंगे। अब और थोड़ा सेकेंड पार्ट हम डाल देते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध मिलाया था, हमको इसकी कंसिस्टेंसी ड्रॉपिंग चाहिए। ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में हमको केक का बैटर बनाना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा दूध ऐड किया है मैंने। अब ये फाइनल थर्ड पोर्शन हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें कुछ ड्रॉप्स हम वेनिला एसेंस के भी डालेंगे, अच्छा फ्लेवर आएगा। ये केक का बैटर हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ऐसे ड्रॉपिंग चाहिए, पोरिंग नहीं चाहिए। केक का पॉट भी हमारा रेडी है। ये बैटर में मैंने 3-4 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के डाले थे खुशबू के लिए। अब हम ये केक पॉट में हमारा बैटर ट्रांसफर कर लेते हैं। हमारा ओवन तो अभी प्री हीट हो रहा है। ये पोर कर लिया है हमने बैटर, इसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए, फिर इसको माइक्रोवेव में डाल देते हैं। ये हमने माइक्रोवेव में पॉट डाल दिया है और इसको 30 मिनट्स के लिए सेट कर दिया है। 30 मिनट्स हो गए हैं,
केक हमारा अच्छे से पक गया है, मैंने अवन के बाहर निकाल दिया, ये ऑलमोस्ट ठंडा भी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे चेक कीजिए, ये देखिए टूथपिक हमने डाली है, बिल्कुल ड्राई निकल रही है, इसका मतलब केक पक गया है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है ये। अब हम इसको साइड से लूज कर लेते हैं। इसको दूसरी प्लेट में पलटते हैं, इसको टैप करते हैं। देखिए हमारा केक बहुत आराम से निकल गया है। इसका ये जो बटर पेपर है ये निकाल लेते हैं। और साइड के जो वेस्ट एजेस है उनको हम काट लेंगे। ये रफ वाला जो पोर्शन है हम काट लेंगे और ये दो लेयर की पेस्ट्री हम बनाएंगे, हम बीच में से भी कट लगा लेते हैं। ये हमने इसका रफ वाला पोर्शन काट लिया है, ये देखिए, और इसको मैंने दो लेयर में काटा है। ये टॉप की लेयर है, ये जो बॉटम में जाएगी इसको हम शुगर सिरप लगा के थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, उसके ऊपर फिर हम क्रीम लगाएंगे। तो चलिए हम करते हैं अभी फ्रॉस्टिंग की तैयारी हमारे आइसिंग की। चलिए हमारी पहली लेयर को हम शुगर सिरप से कोटिंग कर लेते हैं। ये शुगर सिरप मैंने बनाया है 4 टेबलस्पून पानी, 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून हनी डाला है, उसको एक बॉईल दिया है जस्ट शुगर मेल्ट होने तक। इसका हम कोटिंग कर लेंगे, इससे हमारा पेस्ट्री अच्छी सॉफ्ट बनेगी और इससे मिठास भी अच्छी रहेगी। साइड से भी कर लेते हैं। ये हम आइसिंग के लिए फ्रॉस्टिंग बनाने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने ये व्हिप क्रीम ली है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, या तो फिर आप अमूल का फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। ये मैंने 200 ग्राम्स व्हिप क्रीम ली है, नीचे मैंने एक पॉट में आइस डाला है, इसका कूलिंग मेंटेन करना जरूरी है। ये मैंने 100 ग्राम्स आइसिंग शुगर ली है और हम ट्राइकलर पेस्ट्री बना रहे हैं, इसलिए हमें जरूरत है, दिस इज ग्रीन कलर एंड दिस इज ऑरेंज, व्हाइट तो हमारी क्रीम है ही। तो चलिए ये बीटर से हम इसको बीट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर से। ये देखिए हमने 3-4 मिनट इसको बीट किया है, ये अच्छी थिक हो गई है, हमको इससे भी ज्यादा और थिक चाहिए। ये मैं थोड़ी शुगर ऐड करूंगी, पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर, फिर से इसको बीट कर लेंगे। दो तीन ड्रॉप्स वेनिला एसेंस डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी क्रीम रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट लेयर की कोटिंग हो गई है, अब हम लगाते हैं दूसरी लेयर। इसको भी शुगर सिरप लगा लेंगे, शुगर सिरप से कोटिंग कर लेंगे। सेकेंड लेयर को भी हम कोटिंग कर लेंगे, पूरा टॉप में और साइड में भी।
ये हम ट्राई कलर पेस्ट्री बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये दो कलर लिए हैं। ये मेरे पास में फूड कलर है, लिक्विड फूड कलर लिया है, एक ऑरेंज लिया है और एक ग्रीन लिया है। अगर आपके पास में लिक्विड फूड कलर नहीं है तो आप पाउडर कलर भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी व्हाइट क्रीम ली है, इसमें मैंने ये ऑरेंज कलर बनाया है और ये मैंने ग्रीन कलर बनाया है। ये हमारी पेस्ट्री चारों साइड से पेस्ट्री केक कवर हो गया है। अब हम इसको कट लगाएंगे, तीन पोर्शन में हम काटेंगे। फाइनली आवर ट्राई कलर पेस्ट्री इज रेडी फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इसको डेकोरेट किया है। मैंने आपको बताया था कि दो कलर मैंने बनाए हैं, वन इज ग्रीन एंड अदर वन इज ऑरेंज। इसको मैंने पाइपिंग बैग में नोजल के साथ में डाला और फिर इसको मैंने कलर किया है, थोड़ा सा डिजाइन डाला है, नॉट मच मोर क्राउडेड। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।